जब पेट खराब होता है तो टॉयलेट में इतनी स्मेल क्यों आती है? टॉयलेट में ज्यादा टाइम क्यों लगता है? आपका पेट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा होता है? नमस्कार, मैं हूँ ईशा भाटिया सानन, आप देख रहे हैं सेहत टॉक। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि स्टूल सैंपल देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा रंग क्या इशारा कर रहा है। मल के जरिए आपकी आंत आपको संदेश देने की कोशिश कर रही है। अगर मल का रंग काला है तो ये इस ओर इशारा है कि अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, और तो और इसकी वजह कोलन कैंसर भी हो सकता है। ये ऐसा कैंसर है जिसकी पहचान बहुत देर में होती है, इसलिए अपने मल की ओर ध्यान देना आपकी जान बचा सकता है। अगर आपके मल का रंग कुछ ऐसा है ब्राउन, तो मतलब शरीर में सब कुछ सही चल रहा है, आप स्वस्थ हैं, टेंशन की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका मल पीला है, बहुत बदबूदार है, तो मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर कई दिन तक ऐसा चल रहा हो तो डॉक्टर से मिल ही लीजिए। अगर मल का रंग बहुत फीका है, कुछ सफेद जैसा, तो ये लिवर इन्फेक्शन की ओर इशारा है। कई बार आप जो खाते हैं उससे भी मल का रंग बदलता है, जैसे पालक या मेथी खाने पर हरा और चुकंदर खाने पर लाल। लेकिन मल में अगर खून दिखे तो डॉक्टर के पास जाने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर फ्लश करने से पहले एक बार टॉयलेट की ओर जरूर देख लें। याद रखें, हर रंग कुछ कहता है, इसलिए मल के रंग को तो बिल्कुल भी हल्के में ना लें। बच्चों को भी सिखाएं कि फ्लश करने से पहले वो एक बार टॉयलेट की ओर जरूर देखें। बच्चों के पेट में कई बार कीड़े हो जाते हैं, जिस कारण बच्चों के पेट में दर्द रहता है, ये भी मल के साथ बाहर आते हैं। तो अगर बच्चा खुद ही इसे नोटिस कर लेगा तो बाद में डॉक्टर के पास स्टूल सैंपल ले जाने से आप बच भी सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान दें कि बच्चे और इनफैक्ट आप खुद भी दिन में एक बार टॉयलेट जरूर जाएं। हालांकि हर किसी का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, डॉक्टर बताते हैं कि एक दिन में 3 बार तक टॉयलेट जाना नॉर्मल होता है। इससे ज्यादा जाना पड़ रहा है तो जरूर कोई दिक्कत है, डॉक्टर से बात कीजिए। और इसी तरह अगर यूरिन पास करने में भी दिक्कत हो रही है या फिर पेशाब रोकने में दिक्कत हो रही है तो भी डॉक्टर से बात करें। पर उससे पहले समझ लीजिए कि शरीर का ये सिस्टम काम कैसे करता है। ब्लैडर या मूत्राशय, बलून जैसा दिखने वाला अंग जिसका काम होता है मूत्र को अंदर संभाल कर रखना ताकि वो लगातार बाहर ना बहता रहे। आखिरकार किडनी तो दिन भर यूरिन बनाने का काम करती रहती हैं। ब्लैडर की मांसपेशियों का तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जब आप शीर्षासन करेंगे तो पेशाब सर की ओर रुख कर लेगा। ऐसा ना हो इसके लिए हमारे यूटेरस के इर्द गिर्द मसल्स की एक परत होती है जो आप पर ग्रेविटी का असर भी नहीं होने देती। धीरे धीरे ये गुब्बारा भरता चला जाता है और एक पॉइंट पर आकर आपको एहसास होता है कि अब टॉयलेट जाने का वक्त आ गया है। लेकिन ये सब होता कैसे? हमारे ब्लैडर की क्षमता करीब 1 लीटर की होती है, लेकिन 250 ml पेशाब जमा होते ही ब्लैडर के अंदर मौजूद नर्व समझ जाती हैं कि इसकी अंदरूनी परत को फैलने की ज़रूरत है। ये नसें हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को संदेश भेजती हैं और ये सिस्टम ब्लैडर की इनर लाइनिंग में मौजूद मसल फाइबर्स को बताता है कि यूरेथ्रल ओरिफिस को खोलने का वक्त आ गया है। जैसे ही ये खुलता है ब्लैडर खाली हो जाता है। कितना आसान सा सिस्टम था, है ना? एक्चुअली मामला इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका ब्लैडर अपनी मनमर्जी से खुल जाया करे। ये तो आप ही डिसाइड करेंगे ना कि टॉयलेट कब जाना है। दरअसल एक और यूरिथ्रल ओपनिंग होती है जिसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इसे आप निर्देश देते हैं कि कब खुलना है और कब नहीं। बच्चों को ये सिखाना पड़ता है, जब तक वो नहीं सीखते तब तक बिस्तर गीला करते रहते हैं। लेकिन उम्र के साथ ये कंट्रोल कम हो जाता है, आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं किसी यूरिनरी ट्रैक्ट या ब्लैडर इन्फेक्शन के कारण। ऐसा अक्सर यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया के कारण होता है। महिलाओं में ये ज्यादा देखा जाता है क्योंकि उनका यूरिथ्रा छोटा होता है। साथ ही पेल्विक फ्लोर मसल्स प्रेगनेंसी के दौरान या फिर ज्यादा भार उठाने के कारण कमजोर पड़ जाती हैं। इस कारण भी ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं रहता। इतना ही नहीं, हार्मोनल चेंजेस खासकर मेनोपॉज के दौरान होने वाले बदलाव भी इन मसल्स को कमजोर कर देते हैं।
ऐसा ना हो इसके लिए अच्छा रहेगा कि आप दिन में 5-10 मिनट ही सही लेकिन पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जरूर करें। तभी तो आपके अंदर मौजूद ये पूरा सिस्टम बिना किसी दिक्कत के आपका काम कर पाएगा। महिलाओं को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए। ऐसे कई योगासन भी हैं जो पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाने में मददगार होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये हिस्सा कमजोर होना शुरू हो जाता है, ऐसे में छींकते हुए, खांसते हुए या फिर हंसते हुए लीकेज हो जाती है। फिर डिलीवरी के बाद ये और भी कमजोर हो जाता है। इसे दोबारा नॉर्मल होने में कम से कम 6 हफ्ते और ज्यादा से ज्यादा कई महीने और कुछ मामलों में तो कई साल भी लग जाते हैं। इसीलिए डिलीवरी के बाद 40 दिन तक किसी भी तरह का वजन उठाने से मना किया जाता है। यहाँ जर्मनी में तो आपको डिलीवरी के बाद पेल्विक फ्लोर का कोर्स करना पड़ता है। जब तक आपके पास उसका सर्टिफिकेट ना हो, आप दोबारा जिम या योगा पिलाटिस की क्लासेस में जा ही नहीं सकती। अगर आपको या आपके पार्टनर को भी प्रेगनेंसी में या उसके बाद ऐसी कोई दिक्कत आई है तो बताइए मुझे कमेंट करके। उम्मीद है मैं आज भी आपको कुछ नया सिखा पाई हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक अपना और अपनी सेहत का रखिए ख्याल। नमस्कार।